हिमाचल प्रदेश की 36 वर्षीय महिला से दुष्कर्म मामले में नया मोड़। आरोपी पति को बचाने पत्नी ने लगाई एसपी से गुहार। पति को रुपयों के लिए ब्लैकमेल करने का भी लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश की एक 36 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आ गया है। दुष्कर्म के आरोपी को बचाने के लिए अब उसकी पत्नी सामने आई है। आरोपी की पत्नी ने पति को रुपयों के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अपने परिजनों के साथ एसपी दफ्तर पहुंची 30 वर्षीय करिश्मा ने बताया कि उसकी शादी 13 साल पहले लादड़िया गाँव के हेमंत कुमार के साथ हुई थी। हिमाचल प्रदेश की एक महिला से उसके पति की सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान हो गई थी। हिमाचल प्रदेश की महिला ने वीडियो कॉल के जरिए अश्लील बातें करते हुए उसके पति की वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली और पति को ब्लैकमेल करने लगी। जब उसका पति विदेश में था तब इज्जत बचाने के लिए किसी को नहीं बताया, उस महिला के मांगने पर उसको रुपए देने लगा और ऑनलाइन पेमेंट भी किया। महिला ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने गाँव भी बुलाया और उसके पति के अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद से वह उसके पति को अलग अलग नंबरों से ब्लैकमेल करने लगी। उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार रुपये न देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगी। उसने गांव और परिवार के कई लोगों को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने लगी। उसके द्वारा रुपयों की हाई रिक्वायरमेंट की गई, जो नहीं देने पर उसके पति के खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया। करिश्मा ने बताया कि वह अपने पति को न्याय दिलाना चाहती है। मेरे पति ने न्याय दिलाने इसके साफ करना है, निवेदन करना है। एक हिमाचल प्रदेश की औरत और मेरे पति ने ब्लैकमेल कर रही है और धमकी दे रही है और वहाँ का बैठे बुला के डॉक्यूमेंट वगैरह भी सारा फाड़ दिया, पैसा मांग रही है। अश्लील वीडियो बना रखे है, बुला के बैठे, पहले तो बुला लिया, पहले तो सोशल मीडिया पर वही जानकारी हुई, फिर बा माले रिकॉर्डिंग कर बोकरी हर एक बात में और फिर बा वीडियो बोली मैं तेरा गांव परिवार सारा दिखाऊंगी। फिर भी क्या जो आया ना पिछली बार जब भी महिला का माले बा बुला लिया डरा के बुलाया, फिर बाहर वीडियो बना लिया, फोटो खींच ली, फिर बा सारे हमारे परिवार में रिश्तेदारी में सारी बार भेज रही है। मैं मांगू मेरे पति निर्दोष है, झूठा ब्लेम लगा रही है।